खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के स्टॉपर्स टॉक स्पेशल एपिसोड में। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नए मेहमान जिनका नाम है आदर्श यादव। तो चलिए सबसे पहले आदर्श के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। आदर्श नसीर नगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम श्री नंद किशोर यादव और इनकी माताजी का नाम श्रीमती सुषमा यादव है। इन्होंने BHU BA 2020 सोशल साइंस में 282 अंक प्राप्त करके ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है। तो चलिए आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी स्ट्रेटेजी, इनके एग्ज़ाम स्पेशल, इन्होंने किस तरीके से तैयारी की एग्ज़ाम के लिए। और आज के इस इंटरव्यू को हम 3 पार्ट में बांटेंगे। पहले पार्ट में हम इनसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके बाद हम अगले पार्ट में इनके एग्ज़ाम स्पेशल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे इन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी की है, और लास्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, तीसरा पार्ट, उसमें हम इनसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो आदर्श जी, सबसे पहले आपको इस बेहतरीन सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो आदर्श जी, अगर आपसे बात करते हैं तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे सिर्फ एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, उसके पीछे तमाम ऐसे व्यक्तियों का योगदान होता है जिन्होंने उस व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया होता है। तो आदर्श जी, आपके साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ होगा जो सबके साथ होता है। तो आप बताइए कि आप अपनी सफलता का श्रेय किन किन व्यक्तियों को देना चाहेंगे, और उनमें से भी आपकी सफलता में महत्वपूर्ण स्थान किस व्यक्ति का है? सर, मैं अपनी सफलता का श्रेय मेरे माता पिता और BHU वर्ल्ड की पूरी टीम को देना चाहूँगा। साथ ही साथ जितने भी अध्यापकों ने मुझे बचपन से पढ़ाया है, कहीं ना कहीं सीधे रूप से या किसी तरह से उनका योगदान भी इसमें रहा है, इसलिए मैं इसका श्रेय उनको भी देना चाहूँगा। जैसा कि आपने देखा, आदर्श जी ने बताया कि इनकी सफलता में बहुत से व्यक्तियों का योगदान है, इनके माता पिता का भी योगदान है, इनके टीचर्स का भी योगदान है, और BHU वर्ल्ड की पूरी टीम का भी योगदान है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति की सफलता के पीछे बहुत से व्यक्तियों का योगदान होता है। तो आदर्श जी, बताइए कि आपने 12th की पढ़ाई किस स्ट्रीम से की, यानी आपका बोर्ड कौन सा था और आपका कितना प्रतिशत मार्क्स आया था? सर, मैंने अपने 12th की पढ़ाई PCM ग्रुप से की थी, जिसमें जो कि मैंने केंद्रीय विद्यालय बाराबंकी से किया था वर्ष 2020 में ही, और इसमें मेरा 94% आया था। और यस सर, तो आप साइंस बैकग्राउंड से थे, मैथ से थे, और आप यहाँ पर BA में रैंक ऑल इंडिया रैंक 9 लाए हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि आप अचानक से नए विषय की ओर जा रहे हैं? नहीं सर, चूंकि मैंने एग्ज़ाम का सिलेबस देखा था और सर ने भी काफ़ी अच्छे से डिटेल किया था, तो मुझे लगा था कि मैं मैथ और रीजनिंग को अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँगा। साथ ही हिंदी भी हम लोगों ने बचपन से काफ़ी पढ़ी थी, और GK GS का भी अच्छा खासा नॉलेज था। और उसके बाद जब मैंने BHU वर्ल्ड ज्वाइन किया तो सर ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बताई, जिससे कि हमको एक चैनलाइज्ड वे में हमने अपनी पढ़ाई की और इसको क्रैक किया। जैसा कि आदर्श ने बताया कि चीज़ों को इन्होंने बहुत अच्छे से समझा, सिलेबस क्या था, सारी चीज़ों को जानने समझने के बाद इन्होंने एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी की। तो आप साइंस से आर्ट्स में आए हैं, तो आर्ट्स में आने की कोई खास वजह आपकी? सर, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं, और इसीलिए मुझे लगा कि आर्ट्स ज़्यादा सही रहेगा अगर मैं उस रास्ते पर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो आर्ट्स लेते वक्त आपको ये डर लगा कि आपको नए विषय पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपने BHU BA की तैयारी कब शुरू की इसके बारे? सर, मैंने तैयारी नवंबर से शुरू की थी, मैंने BHU वर्ल्ड का कोर्स नवंबर में ज्वाइन किया था और तभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आपको BHU वर्ल्ड के बारे में कैसे पता चला कि क्लासेस चलती हैं BHU वर्ल्ड पे ऑनलाइन? जब मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में खोजना शुरू किया कि कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी, तो जब मुझे BHU के बारे में पता चला तो फिर मैंने खोजना शुरू किया कि मैं कहाँ से इसकी तैयारी करूँ। तो मैंने YouTube पर कई सारे वीडियोस देखे BHU वर्ल्ड के, जहाँ से मुझे इसका कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन करी। अच्छा, यानी कि BHU के बारे में और BHU वर्ल्ड के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सर्च किया और उसके बाद आपको पता चला, यानी कि आपने सिर्फ सोच कर आप बैठे नहीं रहे कि हमको कहाँ जाना है, कैसे क्या तैयारी करनी है। और कहते भी हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिलों को पाने के लिए। तो आदर्श जी, बताइए कि BHU वर्ल्ड क्लास ज्वाइन करने के बाद आपका पहला इम्प्रेशन क्या था, कि आपको कैसा लगा था कि BHU वर्ल्ड क्लास आप ज्वाइन नहीं किए थे, उससे पहले आपकी तैयारी कैसी चल रही थी, और फिर क्लास ज्वाइन करने के बाद आपकी तैयारी में क्या बदलाव हुआ है, क्या परिवर्तन आए, उसके बाद आपको क्या लगा कि किस तरीके से आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी जा रही है? सर, जब तक मैंने BHU वर्ल्ड नहीं ज्वाइन किया था, चूँकि मेरा इस बार बोर्ड्स भी था,
तो बोर्ड्स पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा था, और जब कोई ऐसा सोर्स नहीं था कि जिसे मैं पढ़ सकूं तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन जब मैंने BHU वर्ड ज्वाइन किया तो जब रोज़ रोज़ लेक्चर्स आते थे तो उसके नोट्स भी बनाने पड़ते थे और सर उसके नोट्स सबमिट भी करते थे, इसलिए उसको बनाना भी ज़रूरी था। तो इससे एक रेगुलरिटी आई मुझे इसको पढ़ने में। इसी तरह सर मतलब बोर्ड के साथ इसको मैनेज करने में कोचिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा। यानी कि एग्ज़ाम में सफलता के लिए आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं और साथ ही साथ आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है, रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ना है और सारी चीज़ें कवर करनी है। जी सर। तो चलिए हम अपने दूसरे पार्ट को शुरू करते हैं जो होगा हमारा एग्जाम स्पेशल स्ट्रेटेजीज एंड टाइम मैनेजमेंट। तो आदर्श जी बताइए कि एग्ज़ाम को लेकर आपका स्टडी प्लान क्या था, आप कितनी देर पढ़ते थे और किस विषय को आप ज़्यादा पढ़ते थे, इसके बारे में बताइए। सर विषय में चूँकि मैंने पहले से ही मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था तो मुझे मैथ्स और रीजनिंग में उतना ध्यान नहीं देना पड़ा था, और समय की बात करें तो सर बोर्ड्स के साथ इतना समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो मैं 1-1.5 घंटे लेक्चर्स के लिए निकाल लेता था और उसके नोट्स तैयार कर लेता था। अच्छा, जैसे कि आपने इसी साल बोर्ड भी पास किया और उसके बाद आप BHU की भी तैयारी कर रहे थे, तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही थी और आपने कैसे उन चीज़ों को मैनेज किया? सर सबसे बड़ी चुनौती तो टाइम मैनेजमेंट की ही थी, क्योंकि बोर्ड्स के साथ और नवंबर में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और उसी वक्त प्री बोर्ड भी बोर्ड्स के शुरू हो जाते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था। लेकिन मैंने 1-1.5 घंटे रोज़ इसके लेक्चर्स के लिए निकाले और उसके नोट्स मैं प्रॉपर बनाता रहा, जिसने मुझे बाद में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की रिविज़न करने में। तो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक मूल मंत्र है आपके पास, आप उसके सिलेबस को अच्छे से समझें, सारे नोट्स बनाएं और कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी बनाकर लगातार पढ़ते रहें। तो आदर्श आपको क्या लगता है कि किसी सेक्शन या टॉपिक को कोई बच्चा छोड़ दे रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादातर देखते हैं किसी का मैथ्स सेक्शन वीक है तो वो कहता है कि चलिए हम मैथ्स के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और बाद बाकी अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर किसी का कोई और सेक्शन कमज़ोर होता है तो वो उस सेक्शन को छोड़ने पर विचार करता है, तो आपको क्या लगता है कि वो ठीक करता है कि नहीं? नहीं सर, आपका जो सेक्शन वीक है उसे आपको और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए, जो आपको मजबूत है उस पर थोड़ा कम टाइम दें और जो सेक्शन आपका वीक है उस पर थोड़ा अच्छा टाइम दें। और चूँकि मैथ्स और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट अगर किसी के वीक हैं और इन पर वो ध्यान देता है तो इनमें 100% एक्यूरेसी की पूरी चांसेस रहते हैं, जबकि जीके में आप 100% एक्यूरेसी बहुत बड़ी बात होती है। यानी कि आप अपनी कमजोरी को कमजोरी ना बनाकर उसको अपनी ताकत बना। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि BHU वर्ल्ड जो कंटेंट देता है उसे ज़्यादा कंटेंट देने की आवश्यकता है कि और उतना सफिशियंट होता है कि आपकी तैयारी के लिए? कि सर BHU वर्ड का कंटेंट पूरी तरह से सफिशिएंट था, मैं मैथ्स और रीजनिंग मैंने पूरी इसी से सॉल्व करी और हिंदी का भी जो लिटरेचर पोर्शन था वो भी मैंने पूरा इसी से सॉल्व किया, GK भी सर ने जितना पढ़ाया था उतना काफ़ी था, बाकी हाँ सर काफ़ी नहीं था। अच्छा, तो बताइए कि एग्ज़ाम को लेकर आप क्या सोचते थे कि बहुत भारी होगा या हल्का होगा, कैसा आने वाला एग्ज़ाम, हम कैसे उसको करेंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये बहुत सारे द्वंद्व मन में चलते रहते हैं ना कि एक हम तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टूडेंट हो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो बोर्ड हो उसका या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, तो उसके मन में बहुत सारे द्वंद्व चलते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं कि हमसे ये क्रैक हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो इन चीज़ों को आपने कैसे ओवरकम किया? सर जब मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी तब मन में बहुत था कि कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, इसी साल मेरा बोर्ड्स है, कैसे इतनी तैयारी करके मैं क्वालिफाई करूँगा, इतना ज़्यादा टफ कंपटीशन है। लेकिन जैसे जैसे कोचिंग की क्लासेस मैंने ज्वाइन की और टेस्ट सीरीज़ ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया, जब मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ शुरू करी तो 1, 2, 3 जब ऐसे 3-4 टेस्ट दिए तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं टेस्ट क्रैक कर सकता हूँ। कहते हैं कि गुड प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो आप चीज़ों को आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते, उसमें निपुण नहीं हो सकते, यानी कि आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी लगातार करनी है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपकी क्या प्लानिंग थी कि कैसे टाइम मैनेजमेंट आपको करना है एग्ज़ाम में, या फिर पढ़ते टाइम कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते थे? तो सर मार्च तक का मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना पूरा फोकस इसी की तैयारी पर डाला था तो मैं अपने टॉपिक सिलेक्ट कर लेता था कि मुझे इतना आज कंप्लीट करना है, टाइम को लेकर इसका कोई बाउंडेशन नहीं था, चाहे 4 घंटे में हो चाहे 5 घंटे में हो, मैं अपने जो टॉपिक सिलेक्ट करता था उनको उस दिन में ख़त्म कर देता था। यानी कि आप टाइम डायरेक्टिव बिहेवियर ना अपना के गोल डायरेक्टिव बिहेवियर अपनाते थे, इतनी चीज़ें जो टारगेट हमारा है उसको हमको अचीव करना, ठीक है, ये बहुत ही बेहतर तरीका होता है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का। तो जैसे कि आपका एग्ज़ाम जब होने वाला था तो
लगातार पोस्टपोन हो रहा था एग्ज़ाम, कोरोना का काल चल रहा था, तो उस समय फिर आपके मन में कैसे विचार आ रहे थे कि एग्ज़ाम कब हो जाएगा और तैयारी में कैसे आप कोरोना जो काल था उसमें आपने कैसे तैयारी की? क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि टाइम मिल रहा है चलिए बाद में तैयारी करते हैं ऐसा भी सोचते हैं, तो आपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया? उस समय सर सबसे बड़ा डर तो था कि अब बच्चे और ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाएगा, इतना बच्चों को टाइम मिल रहा है और कई बच्चे तो 1 साल का ड्रॉप लेकर भी आ रहे हैं, उनको इतना टाइम मिल गया तो कैसे होगा। लेकिन समय समय पर सर BHU वर्ल्ड की मोटिवेशनल वीडियोस आती रहती थी तो उनका काफ़ी इंतजार रहता था, तो उन्होंने काफ़ी बूस्टअप किया और हम लोग अपनी तैयारी कोरोना काल में करते रहे। धन्यवाद। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको क्या लगा था कि आप टॉपर बन पाएंगे? सर टॉपर तो नहीं लगा था एग्ज़ाम देने के बाद कि बन पाएंगे, लेकिन हाँ ये श्योर था कि सिलेक्शन हो जाएगा अच्छी रैंक के साथ। ये ज़्यादातर सबको रहता है कि एग्ज़ाम अच्छा जाता है पर किसी को ये भरोसा नहीं होता है कि वो टॉप करने वाला है। आप किसी का भी इंटरव्यू देखेंगे तो टॉपर्स यही बताते हैं कि उनको ये भरोसा नहीं था कि वो टॉप करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा जाता है और सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं ये एग्ज़ाम देने के बाद पता चल जाता है। अदर जी, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एक टॉपर से कि आपने बुक लिस्ट कौन सी यूज की थी, तो बुक लिस्ट के बारे में आप बताइए कुछ कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। सर मैंने सबसे पहली प्रेफरेंस तो BHU वर्ल्ड के लेक्चर्स को ही दी थी, उसके बाद ही मैंने अपनी अल्टरनेटिव बुक्स का यूज़ किया। तो लेक्चर के जो नोट्स थे वही सबसे मोर देन सफिशियंट थे, लेकिन उसके अलावा भी मैंने लूसेंट का सपोर्ट लिया और हिंदी में मैंने मेरी 8th क्लास की बुक थी वहाँ से कवर किया अपना जो, और लिटरेचर में सर जो BHU वर्ड का मटेरियल था वो मोर देन सफिशियंट था, बाकी मैथ्स और रीजनिंग का तो बहुत ज़्यादा सफिशियंट था, उससे बाहर से आना ही नहीं है। तो ये बताइए कि आप अपनी कंसिस्टेंसी को कैसे बरकरार रखे थे? होता नहीं कि हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हमारी कंसिस्टेंसी बनी रहे, तो इसके लिए आप क्या करते थे? कंसिस्टेंसी तो कभी कभी बिगड़ जाती थी, लेकिन फिर यही था कि सिलेक्शन लेना है किसी तरह से, तो वो मोटिवेशन अंदर से मोटिवेशन करता रहता था कि हाँ कंसिस्टेंट रहना है अपने पढ़ाई को लेकर। अच्छा, यानी कि आपको अगर अपने चुने हुए मार्ग पर विश्वास है और मार्ग पर चलने का साहस तथा मार्ग की हर कठिनाई को जीतने की शक्ति है तो आपका सफल होना निश्चित। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने 3rd राउंड पर्सनल क्वेश्चन, जिसमें हम आदर्श से पूछेंगे कुछ इनके पर्सनल क्वेश्चन और BHU वर्ल्ड से भी जुड़े कुछ फनी क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप बताइए कि जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते थे तब आप क्या करते थे? सर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते तो यूट्यूब पर वीडियोस देख लेते थे। किस तरीके के वीडियोस देखते थे? सर जो फनी वीडियोस होते हैं जैसे कपिल शर्मा शो है ऐसे ही वीडियोस देख लेते थे। यानी कि जो आपको मनोरंजन देते थे वो चीज़ें आप देखते थे। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम आपसे फिर एक यही क्वेश्चन दोहराना चाहेंगे और उसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि पढ़ते पढ़ते जब आप बोर हो जाते थे तब आप क्या करते थे? ए गर्लफ्रेंड से बात करते थे खेल के मैदान में, बी गर्लफ्रेंड से बात करते थे बाजार जाने के बहाने, सी गर्लफ्रेंड से बात करते थे घर वालों से छिप छिप के, और डी गर्लफ्रेंड से बात करते थे। सर इसका ई होगा, नन ऑफ दी अबव। नन ऑफ दी अबव, ये ऑप्शन में ही नहीं था हमारे, यानी कि कोई अस्तित्व तो नहीं है इस प्रश्न का। चलिए ठीक है, आपकी हॉबी क्या क्या है आप अपनी हॉबी के बारे में बताइए। सर हॉबीज में मुझे मूवीज देखना पसंद है, मैं मूवीज देखता हूँ और बाकी सर खास कोई हॉबी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो बताइए BHU वर्ल्ड में, अब BHU वर्ल्ड से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो BHU वर्ल्ड में आपके फेवरेट मेंटर कौन? मेरे फेवरेट मेंटर सर ऋषभ सर और सूरज सर दोनों लोग। सूरज सर, ठीक है। तो सबसे गुस्साइल कौन लगे आपको? सबसे गुस्साइल तो सूरज सर ही लगे। सूरज सर सबसे गुस्साइल लगे, यानी सबसे गुस्साइल भी भैया और फेवरेट भी भैया। अच्छा, सबसे स्मार्ट सर कौन लगे आपको? वैभव सर जी। वैभव सर बहुत स्मार्ट सर है। अच्छा, सबसे फनी कौन लगे आपको? फनी सर मुझे पहले तो नहीं पता था, लेकिन जब सूरज सर की लाइव क्लासेस हुई थी एग्जाम से पहले तब मुझे पता चला सूरज सर भी बहुत ज़्यादा फनी है, तो सबसे ज़्यादा फनी मुझे सूरज सर ही लगे। बहुत बढ़िया। तो अच्छा ये बताइए कि आपने जब एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे तो बहुत तरीके के संघर्ष होते हैं एग्ज़ाम में जी, तो आप कुछ संघर्ष के बारे में बताइए अपने कि किस तरीके से आपने स्ट्रगल किया और उनको कैसे ओवरकम किया। सबसे बड़ा स्ट्रगल टाइम मैनेजमेंट का ही था सर शुरू से ही, कि कैसे मैनेज करेंगे, तो सर इसी को ओवरकम करने के लिए अगर मैं पूरा श्रेय BHU वर्ल्ड को, क्योंकि सर लोग हम लोग के साथ कांटेक्ट में बने रहते थे, रोज़ एक पर्टिकुलर टास्क देते थे कि इसको आप ख़त्म करना ही करना है,
और ख़त्म ना करने पर हम लोग को डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो इस यही मेन स्ट्रगल था और बीएचयू वर्ड ने इसको बहुत अच्छे से हम लोग का साथ दिया। बिल्कुल, और अगर संघर्ष ना हो जीवन में तो फिर जीवन का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने। तो आदर्श जी, अंत में आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहेंगे बीएचयू वर्ल्ड के लिए, बीएचयू वर्ल्ड की तरफ से, और अपने जूनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, कुछ बताइए। सर, सबसे पहले तो मेहनत तो आपको करनी ही होगी, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं। लेकिन उसके साथ मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, मैं वो कुछ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहला, मैं टेस्ट सीरीज़ जो होता है वो एक बहुत अहम रोल अदा करता है आपके सफलता में। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने पहले इंग्लिश सेक्शन को किया था लैंग्वेज के लिए, लेकिन जब मैंने 3 टेस्ट सीरीज़ दी और मैंने देखा मैं जीएस में भी अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, मैं मैथ्स और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश में मैं 20 के ऊपर नहीं जा पाता था कभी, 20 के ऊपर सही क्वेश्चन। फिर मैंने सूरज सर से बात की, सर ने मुझे रिकमेंड किया कि हिंदी आप एक बार लेकर देखो। फिर मैंने हिंदी लिया, लेक्चर्स देखे, फिर जब मैंने अपने आगे की टेस्ट सीरीज़ दी तो हिंदी में मेरे कम 25 से 26 क्वेश्चन आराम से सही हो जाते थे। तो टेस्ट सीरीज़ का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हो, तो उसकी आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी, जो कि मेरे पास ये थी कि मैंने सबसे पहले मैथ्स सॉरी जीके जीएस को मैं ख़त्म करता था, क्योंकि ये सबसे शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन हो जाते हैं जीके जीएस और हिंदी के, और उसके बाद मैं मैथ्स और रीजनिंग को अपना पूरा टाइम देता था। लेकिन जब पेपर आया तो पेपर में ऐसा हुआ कि जीके जीएस और मैथ रीजनिंग मिक्स हो गया, तो उस टाइम पर मुझे कुछ करना था कि मैं कैसे इसको मैनेज करूँ। तो मैंने उसको 3 स्टेप में बांट दिया, मैं सारे क्वेश्चन को साथ में लेकर चला, और जो क्वेश्चन मुझसे पहली बार में हो जा रहा था मैं उसको करके तुरंत आगे बढ़। यानी कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आगे मूव करना है कि अगले कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, जो आते हैं उनको पहले करना। जी सर। तो उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में जो क्वेश्चन मुझे थोड़े से टफ लगे वो मुझसे हो गए। फिर लास्ट स्टेप में मैंने सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से राउंड अप किया और जितने क्वेश्चन मुझसे हो गए थे वो सारे हो गए उसमें। तो दोस्तों, ये थे आदर्श यादव, जिन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए बीएचयू एग्जाम को लेकर, बीएचयू वर्ल्ड को लेकर। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले टॉपर के साथ, अगले टॉपर्स टॉक एपिसोड में। और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियों के साथ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर नगर में, हर गली हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाइए। जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बीएचयू वर्ल्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।